लेक्चर नंबर 8 गैलस थ्योरी. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थ्योरम विच इज़ कॉल्ड ए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैलस थ्योरी. सो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट? सो दिस थ्योरम इंडिकेट द वन वन कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द सबफील्ड एंड सबग्रुप ऑफ द सबग्रुप ऑफ द गैलस ग्रुप. सो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट? If K is some normal extension of a field F and GKF is a Galois group of K over F, then there is one-one correspondence between the subfield E, which is a subfield of K containing F, and subgroup of a Galois group GKF. So what is E? E is a subfield of K containing F. And what is a GKE? So which is a Galois group, Galois group of K over E. So this is a Galois group, which is a subgroup of GKF, and this is a subfield. So there is one-one correspondence between these two sets, yeah, these families. Now, after that, so this is a subfield of K containing F. E is a subfield of K containing F, and second is family of all subgroup of GKF which satisfy the following conditions. Suppose H is a subgroup of group GKF. If H is a subgroup of group GKF, then it satisfy the five condition. So first, E is a fixed field under GKF. So what is E? E is a fixed field under GKF. And what is H? H is a Galois group of K over KH. And what is degree of K over E? Which is equal to order of GKE and degree of E over F, which is equal to index of GKE and GKF. If E is normal extension of F, if and only if GKE is a normal subgroup of GKF. So it means there is a correspondence between normal subgroup. If E is normal extension of F, then GKF is isomorphic to GKF over GKE. So here it is a GEF. Here it is a GEF isomorphic to GKF over GKE. So this is very important theorem expected for examination or exam de vich eh puchhi jayegi as a sade kol state and prove fundamental theorem of Galois theory. सो इस करके इहदी स्टेटमेंट याद होना भी बहुत जरूरी है. तो अगर असी इहनू लार्ज स्केल ते देखे तो जस्ट वी गो थ्रू दिस स्टेटमेंट, बट वी कैन अंडरस्टैंड दीज थ्योरम बाय स्टैप. तो पहला आपां सिर्फ ए नू समझन दी कोशिश करांगे, फिर बी नू, फिर सी नू, फिर डी नू, फिर ई नू. तो बेसिक साढ़े कोल जेड़ा इहदा पॉइंट निकलदा जो कि आपां नूं याद रखना चाहिदा, बेसिक पॉइंट साढ़े कोल ए निकल रहा कि अगर मेरे कोल दिस इज सम, साढ़े कोल दिस इज सम के फील्ड, ए साढ़े कोल कोई के फील्ड है और ए के फील्ड एफ दे उत्ते नॉर्मल एक्सटेंशन है, याद रखना. ता कोई वो सारिया सबफील्ड जड़िया एफ तो बड़िया और के तो छोटिया उन्हों का नाम रख लिया ई.
और वो साढ़े को एक फैमिली बन गई ए फैमिली। तो ए फैमिली साढ़े को सारिया सब फील्ड हो गई ई जड़िया कि एफ तो बड़िया और के तो छोटिया। सो वट इज़ दिस, इट इज़ ए फैमिली ऑफ सब फील्ड। सो दिस इज़ ए फैमिली ऑफ सब फील्ड ऑफ के। ये मेरे को लेफ्ट हैंड साइड च बन गई सिचुएशन। हुण राइट हैंड साइड की गल करिए तो राइट हैंड साइड दे विच असी सब ग्रुप लैने हैं जिहड़े जी के एफ यानी गैलस ग्रुप दे सब ग्रुप होण। तो राइट हैंड साइड दे विच अगर साडे कोल दिस जी के एफ ए मेरे कोल गैलस ग्रुप आ गया। सो दिस इज़ ए जी के एफ गैलस ग्रुप कोरस्पोंडिंग टू दिस एफ। तो अगर ये गैलस ग्रुप आ गया नैचुरली ये अंदर सब ग्रुप होंगे। सो वो सब ग्रुप नू असी एच दे नाल मैंशन कर लैने इफ दिस इज एच। सो ई और एच दे विच वन वन कोरस्पोंडेंस होएगी। ये साडा बेसिक आइडिया है ई की है सब फील्ड एच की है सब ग्रुप। तो ई और एच दे विच यानी कि सब फील्ड और सब ग्रुप दे विच वन वन कोरस्पोंडेंस होएगी। तो मतलब ए कि जिन्हियां साडे कोल सब फील्ड होणगियां उन्ने ही इधर सब ग्रुप होणगे। सो इस चीज़ नूं आपां माइंड च रखा। हुण आपां जिहड़ियां स्टैप्स है जिहड़े साडे कोल ए पार्ट है जां बी पार्ट है सी पार्ट है इहनूं असीं वन वन डिस्कस करते हैं। सो साडे कोल फस्ट पार्ट एच सानूं पता सब ग्रुप आ। फस्ट पार्ट असीं प्रूव करना जिहड़ा साडे कोल ई है विच इज़ इक्वल टू के। सो दिस इज़ अगर मैं इनू लिखदा सो मेरे कोल जड़ा आ गया। सो दिस इज़ ई विच इज़ इक्वल टू साडे कोल के एंड दिस इज़ जी और नाल आ गया साडे कोल के एंड ई। सो वट इज़ दिस बेसिकली इट इज़ ए फिक्सड फील्ड अंडर दिस ग्रुप। साढ़े कोल आ ग्रुप दे अंडर साढ़े कोल ई की हो गई फिक्सड फील्ड हो गई। क्लीयर जी। तो बेसिकली पहला इनू समझ लो कि है क्या। सो ए है फिक्सड फील्ड अंडर जी के ई। इट इज़ ए फिक्सड फील्ड अंडर जी के ई मतलब ये विच कोई आटोमोरफिजम लईए उहदी ई दे उत्ते वैल्यू फिक्सड हो जाएगी। सो दैट इज़ अवर गिवन पार्ट। सो फस्ट पार्ट के सानू नॉर्मल एक्सटेंशन दिती है ये बारे तो कोई दो राय नहीं। सानू शुरू च ही के सानू किदां दी दिती है फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन। नाउ दिस सानू पता कि सब तो छोटी फील्ड है एफ बड़े ध्यान नाल उस तो बड़ी फील्ड है ई और उस तो बड़ी फील्ड है के। और के सानू क्या दिता विच इज़ ए फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ है। ठीक है। तो जे साढ़े को फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन आ गई तो असी ऑलरेडी कर चुके हैं ये ई दे उत्ते भी फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन होएगी। सो सेम दिस इज फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ई। ये आप ऑलरेडी रिजल्ट कर चुके हैं कि जे जो छोटी फील्ड दे उत्ते नॉर्मल एक्सटेंशन है तो फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ई दे उत्ते भी होएगी। अगर
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੋਰਮਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਆਰਡਰ ਆਫ ਜੀ ਕੇ ਐਫ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਆਫ ਜੀ ਕੇ ਐਫ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਈ ਫਿਰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ ਅੰਡਰ ਜੀ ਕੇ ਐਫ ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ ਅੰਡਰ ਜੀ ਕੇ ਐਂਡ ਈ ਜੀ ਕੇ ਈ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੇ ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ ਬਣ ਗਈ ਦੈਨ ਵਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਈ ਇਜ਼ ਈਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਏ ਜੀ ਕੇ ਐਂਡ ਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ ਅੰਡਰ ਜੀ ਕੇ ਈ ਤਾਂ ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਕੇ ਜੀ ਕੇ ਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਸੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜਾ ਡਰਾਵਨਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਨਾ ਡਰਾਵਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਬਾਏ ਵਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਐਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਈਕੁਅਲ ਟੂ ਸੋ ਐਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕੇ ਐਂਡ ਕੇ ਐਚ ਠੀਕ ਸੋ ਜੀ ਕੇ ਐਂਡ ਕੇ ਐਚ ਐਚ ਕਿਹਦਾ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜੀ ਕੇ ਐਫ ਦਾ ਅਗਰ ਜੀ ਕੇ ਐਫ ਦਾ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ ਅੰਡਰ ਐਚ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ ਅੰਡਰ ਐਚ ਆ ਗਈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੇ ਐਚ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੋ ਕੇ ਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕੇ ਐਚ ਕੀ ਆ ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ ਔਰ ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲਫੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਕੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸੱਚ ਦੈਟ ਸਿਗਮਾ ਆਫ ਅਲਫਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਕਸਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫੋਰ ਐਵਰੀ ਸਿਗਮਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਐਚ ਐਚ ਕੀ ਆ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਜੀ ਕੇ ਐਂਡ ਐਫ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕੇ ਐਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇ ਐਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਏ ਤੋ ਵਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰ ਈਚ ਸਿਗਮਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਐਚ ਹੈ ਫੋਰ ਈਚ ਸਿਗਮਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਐਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਮਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਹੋ ਗਈ ਕੇ ਐਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਗਮਾ ਅਲਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਅਲਫਾ ਫੋਰ ਐਵਰੀ ਅਲਫਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੇ ਆਫ ਐਚ ਰਾਈਟ ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਫਿਕਸਡ ਫੀਲਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕੇ ਐਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯਾਨੀ ਸਿਗਮਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੇ ਕੌਮਾ ਕੇ ਐਚ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਐਵਰੀ ਸਿਗਮਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਐਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰੇਕ ਐਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਐਚ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ ਤੋ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ ਤੋ ਐਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੇ ਕੌਮਾ ਕੇ ਐਚ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਨ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਅਗਰ ਸਬਸੈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋ ਵੀ ਰਾਈਟ ਐਚ ਇਜ਼ ਏ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਜੀ ਕੇ ਐਚ ਨਾਓ
वट इज़ के एच? के एच ये क्या है? ये है फिक्स्ड फील्ड, इट इज़ ए फिक्स्ड फील्ड और किदे अंडर? अंडर एच दे, ठीक है, एच असी उदा सब ग्रुप लिया, सो इट इज़ ए फिक्स्ड फील्ड अंडर एच। जे फिक्स्ड फील्ड अंडर एच है दैन इट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एच विच इज़ इक्वल टू, है ना, ऑर्डर ऑफ एच विच इज़ इक्वल टू डिग्री ऑफ के, के ऑफ एच। दिस आ गया थ्योरम नू यूज़ करता, ऑर्डर ऑफ एच विच इज़ इक्वल टू डिग्री ऑफ के ओवर के, साढ़े को एच आ गया। सो दिस इक्वेशन इज रिटन एज इक्वेशन नंबर वन, इन्हें छड़ दीए तो ऑर्डर ऑफ एच साढ़े को इस ढंग का आ गया। और एज वी नो दैट सब तो छोटा एफ, सब तो बड़ा के और बाकी जिन्हिया भी फील्ड्स है वो ये अंदर आनगियाँ। अगर ये अंदर आनगियाँ के सानू की दिता नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, सो दिस इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। अगर के नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ है तो के नॉर्मल एक्सटेंशन किदा होएगा? के एच का भी हो जाएगा। जे के नॉर्मल एक्सटेंशन के ऑफ एच का हो गया तो बाय डेफिनेशन डिग्री ऑफ के ओवर के एच, दिस वैल्यूज विच इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी के कॉमा के एच, दिस वैल्यूज आ गए। तो ये असी केड़ा रिजल्ट यूज़ किया? ये असी रिजल्ट केड़ा यूज़ किया कि अगर साढ़े को डिग्री ऑफ के ओवर एफ किदे बराबर होंदा? ऑर्डर ऑफ जी के एफ, अगर साढ़े को के नॉर्मल एक्सटेंशन हो चुके तो के नॉर्मल एक्सटेंशन के एच दे हो गया। उस रिजल्ट के मुताबक मैं इनू इस ढंग नाल रीप्रजेंट करता। इस इक्वेशन नू मैं इक्वेशन नंबर टू लिख लिया। हुण वन नू देखो ते टू नाल देखो। वन दे विच ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈ ਔਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੇ ਓਵਰ ਕੇ ਐਚ ਸੇਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਵਟ ਇਟ ਮੀਨਸ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਰਡਰ ਆਫ ਐਚ विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी के कॉमा के एच, ये साढ़े को सेम आ गया। दोनों का ऑर्डर सेम आ तो साढ़े को वैल्यू सेम आ गई और दोनों सब ग्रुप आ। जे सब ग्रुप आ नाल दे नाल ऑर्डर सेम है सो इट मीनस एज एच इज पार्ट ऑफ जी के के एच, एक चीज़ आ गई। और ऑर्डर ऑफ एच विच इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी के एच दूजा आ गया। सो इन्हां दोनों तो की इंप्लाइज होया? इन्हां दोनों तो इंप्लाइज होया एच जड़ा सब ग्रुप सी उहदी जड़ी फॉर्म है वो इस तरीके दी हो गई। तो वन वन कोरसपोंडेंस तो करता ही हाँ, पर सानू पता भी होना चाहिए कि जेड़ा जी के एफ दे सब ग्रुप आ वो किस तरह के साढ़े को सब ग्रुप है, वो साढ़े को इस फॉर्म दे विच हो गए। नाउ इट इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू जी, फिर आ गया के, फिर आ गया के एच दे बराबर। जे आपां पहले उदे विच काम कीता या उदे मुताबक साडे कोल ई की आ जाती है? सब फील्ड आ जाती है साडे कोल के जी के ई दे बराबर।
तो एच साढ़े को दिस बराबर आ गया, ठीक है। सो ये साढ़े को जड़ा उदा सैकंड पार्ट बन गया। हूँ आप थर्ड पार्ट की गल करिए, सो विच इज़ ए सी पार्ट। सो सी पार्ट दे विच सानू के की दिता, सी पार्ट दे विच असी प्रूव करना डिग्री ऑफ के ई इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी के ई। ये साढ़े को पहला पार्ट है ना। उस हूँ सानू पता के जड़ा है इट इज़ ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ई है, नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ई। ये साढ़े को पहला पार्ट है। अगर ये नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ई है तो सानू पता बाय प्रीवियस थ्योरम डिग्री ऑफ के ओवर ई दिस कैन बी रिटन एज ऑर्डर ऑफ जी के ई दे बराबर हो जाता, ठीक है जी। नॉर्मल एक्सटेंशन है तो असी इनू इस ढंग दे नाल रिप्रजेंट कर सकते हैं। तो आपां नू वैल्यू किहदी चाहीदी है, ऑर्डर ऑफ जी के एफ दी, दिस वैल्यूज ए आ गई डिग्री ऑफ के ओवर एफ, ए आ गई दिस वैल्यूज। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लावांगे, सब तो छोटा एफ, फिर आ गया ई, फिर आ गया के। सो डिग्री ऑफ के ओवर एफ किदे बराबर हो जाती, डिग्री ऑफ के ओवर ई इंटू डिग्री ऑफ ई ओवर एफ, ये बराबर हो जाता। सो उस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक दिस कैन बी रिटन एज डिग्री ऑफ के ओवर ई इंटू डिग्री ऑफ ई ओवर एफ, इहदी वैल्यू तुहाडे कोल आ पई है। अगर इहदी वैल्यू पई है इहनू असी रिप्रजेंट कर सकते हैं ई जे के ई इंटू डिग्री ऑफ ई ओवर एफ। तो असी इहनू इस ढंग दे नाल रिप्रजेंट करता, उहदी वैल्यू पुट करती। जदों वैल्यू पुट कीती तो मेरे कोल ये इक्वेशन असी तैयार कर ली। हुण तुहाडे माइंड च आना चाहिए कि असी ई एफ नू नहीं लिखिया पर के ई नू लिखिया। ये इस करके आ क्योंकि के ई दे उत्ते नॉर्मल एक्सटेंशन है पर ई एफ दे उत्ते नॉर्मल एक्सटेंशन हुण तक नहीं है। अगर नहीं है तो इहदे विच साडे कोल डिग्री ऑफ ई ओवर एफ दी वैल्यू लभ लईए। ये कितना होएगा, ऑर्डर ऑफ जी के एफ विच इज़ डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ जी के ई, ठीक है जी। सो इहदे तों आ जिहड़ी इक्वेशन है, इस इक्वेशन दा नाम तुसी इक्वेशन नंबर 3 रख लो या 4 रख लो, इनू असी इस ढंग नाल रिप्रजेंट कर सकते। तो यही तो मेरा पार्ट सी, सी पार्ट। हुण आपां डी पार्ट दे उत्ते आ जाइए। सो डी पार्ट दे विच सानू दो चीज़ां दित्तियां। पहली चीज़, अगर ई नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ है तो जी के ई नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी के एफ होएगा। तो फस्ट पार्ट नू आपां लै लईए। सो फस्ट पार्ट दे विच साडे कोल आ गया, लेट व्हाट इज़ द फस्ट पार्ट, ई दिता विच इज़ ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ है।
तो साडा जड़ा क्लेम है, अवर क्लेम ये है कि जी के ई यो दा सब ग्रुप तो है ही है, सो दिस इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ठीक है जी, ऑफ ग्रुप जी के एफ यो दा नॉर्मल सब ग्रुप होएगा। नाउ आ साडे कोल गिवन आ प्रूव करना, फिर साडे कोल आ पार्ट गिवन होएगा तो असी फस्ट पार्ट नू प्रूव करांगे। असी कंसिडर कर लईए क्योंकि अलजबरिक एक्सटेंशन तो है ही है, ए इज बिलोंग्स टू ई, यानी कि कोई एलिमेंट ई दे विच्चों लै लिया, और पी ऑफ एक्स मिनिमल पॉलीनोमियल लै ली ए दी ओवर एफ दे उत्ते, मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ ए ओवर एफ, तो सानू पता क्योंकि नॉर्मल एक्सटेंशन स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ पी एक्स विच इज़ ए सबसेट ऑफ साडे कोल के, समझ आ गई गल, स्प्लिटिंग ए नॉर्मल एक्सटेंशन की डेफिनेशन अप्लाई करती कि जिहड़ी स्प्लिटिंग फील्ड आ वो साडे कोल ई दा पार्ट बन जाएगी, ई दा पार्ट, ठीक है जी। और स्प्लिटिंग फील्ड साडे कोल की हुंदे, जिन्ने भी है वो सारे दे सारे रूट जेडे कि कंजुगेट हुंदे एक दूजे दे, तो इहदा मतलब फॉर एनी सिग्मा बिलोंग्स टू जी के ई अगर मैं लेना तो इट इम्प्लाइज सिग्मा ऑफ ए कंजुगेट टू एलिमेंट ए आ गया, जे ए दा कंजुगेट है तो सिग्मा ए स्प्लिटिंग फील्ड चला गया, जे स्प्लिटिंग फील्ड चला गया तो सिग्मा ए किनू बिलोंग कर गया, ई नू बिलोंग कर गया। क्लियर हो गया जी, बड़ी सिंपल जी भाषा च ए ई दे विच चला गया। ना हो अगर सानू क्या गिवन दिता यार के नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ए है, तो अगर मैं कोई भी नीटा कोई होर आटोमॉर्फिज़म के ई दे विच्चों लेना तो वह ई दे एलीमेंट नू फिक्स्ड करेगी। हुण सिग्मा ए किहदा एलीमेंट है, ई दा एलीमेंट है, इहदा मतलब सिग्मा ए दे एलीमेंट नू ए फिक्स्ड कर देगी, यानी इहदी वैल्यू सिग्मा ए दे बराबर आ जाएगी। फिक्स्ड करता मतलब उहदे साडे कोल बराबर आ गया, नीट ऑफ दिस। दैन वट वी नो दैट साडे कोल दिस वैल्यूज आ गया, अगर मैं सिग्मा इनवर्स दे नाल मल्टीप्लाई करा तो दिस विल बिकम सिग्मा इनवर्स नीटा फिर सिग्मा ऑफ ए, और दिस इज ए सिग्मा इनवर्स सिग्मा ऑफ ए विच इज आइडेंटिटी ऑफ ए, सो विच इज ए, सो व्हाट इट मीन्स कि दिस विल बिकम ए आइडेंटिटी, या दिस विल बिकम ए आइडेंटिटी फिक्स्ड हो गया, यानी कि सिग्मा इनवर्स नीटा सिग्मा एट द पॉइंट ए दिस विल बी ए फिक्स्ड। अगर साडे कोल फिक्स्ड आटोमॉर्फिज़म हो गई तो ए किनू बिलोंग कर जाएगी,
ਇਹ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਸਿਗਮਾ ਇਨਵਰਸ ਨੀਟਾ ਸਿਗਮਾ ਇਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਜੀ ਕੇ ਅਤੇ ਈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਈ ਔਰ ਨੀਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਨੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਜੀ ਕੇ ਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਔਰ ਸਿਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਜੀ ਕੇ ਐੱਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੀ ਕੇ ਈ ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਏ ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਕੇ ਐੱਫ ਤੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡੀ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੋ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਔਖੀ ਥਿਊਰਮ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਡੀ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੇ ਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਕੇ ਐੱਫ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਪ੍ਰੂਵ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦਿਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਰਮਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐੱਫ ਦਾ ਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਰਮਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐੱਫ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਏ ਨੋਰਮਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਲਡ ਐੱਫ ਜੀ ਸੋ ਗਿਵਨ ਪਾਰਟ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਈ ਏ ਐਲੀਮੈਂਟ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਜਬਰਿਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਪੀ ਆਫ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆਫ ਏ ਓਵਰ ਐੱਫ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆ ਗਏ ਔਰ ਐੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਪਲੀਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਆਫ ਪੀ ਐਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐੱਫ ਤੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸੈਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਯਾਨੀ ਐੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਕੇ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐੱਲ ਇਜ਼ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕੰਸਿਡਰ ਬੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੇ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇ ਚੁਣੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੂਟ ਆਫ ਪੀ ਐਕਸ ਅਦਰ ਦੈਨ ਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਪੀ ਐਕਸ ਦਾ ਰੂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਇਜ਼ ਕੰਜੂਗੇਟ
टू ए ओवर एफ, तो साढ़े को कंजुगेट हो गया ओवर एफ। यदा मतलब साढ़े को आ गया भी कोई ना कोई एफ आटोमॉर्फिजम होएगी। सो देयर एग्जिस्ट ए सिग्मा विच इज ए एफ आटोमॉर्फिजम, आटोमॉर्फिजम सच दैट सिग्मा ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो साढ़े कोई ना कोई एफ आटोमॉर्फिजम के दे उत्ते होएगी सिग्मा, जिहड़ी कि इस कंडीशन नू सैटिस्फाई करती है। क्लियर होगा जी। तो सिग्मा बेसिकली किनू बिलोंग कर रही, जी के एफ नू बिलोंग कर रही है। सो इट मीनस, बड़े ध्यान नाल समझो, सिग्मा बेसिकली पार्ट है जी के एफ दा, इस सानू पार्ट दिता, और जी के ई नॉर्मल सब ग्रुप एंड जी के ई नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी के एफ है। ठीक है जी, नॉर्मल सब ग्रुप। जे नॉर्मल सब ग्रुप है देन बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप सिग्मा इनवर्स नीटा सिग्मा बिलोंग्स टू जी के ई एंड इट इज फॉर एवरी नीटा बिलोंग्स टू जी के ई। कोई भी असी जी के ई दे विचो एलीमेंट लईए, वो एलीमेंट साडे कोल इस कंडीशन नू सैटिस्फाई करता। सो वट इट मीनस, इट मीनस ए ई दे एलीमेंटा दे उत्ते फिक्सड होएगा। ठीक है, तो ए आपा कित्थों लिया सीगा, ए ई दे विचो कंसीडर कीता सीगा। तो सानू पता सिंस ए बिलोंग्स टू ई है, तो एदी जड़ी एलिमेंट है नीटा सिग्मा एट पॉइंट ए, ए किद्दां दा हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, ए फिक्स्ड हो जाएगा साढ़े कोल आ गया। तो एदी वैल्यूज साढ़े कोल फिक्स्ड हो गई। जे फिक्स्ड हो गया सो वट इट मीन्स, इट इम्प्लाइज नीटा ऑफ सिग्मा ए विच इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए। इहदा मतलब नीटा सिग्मा ए नू भी फिक्स्ड कर रहे हैं। सो दिस इज फॉर एवरी नीटा बिलोंग्स टू जी के एंड ई। ठीक है जी, इहदा मतलब सिग्मा ए बेसिकली ई नू बिलोंग करना चाहिदा। इहदे तो यही आ गया कि नीटा सिग्मा ए जड़ा वो फिक्स्ड हो गया। नाल दे नाल एस साढ़े कोल के क्या दिता, नॉर्मल एक्सटेंशन दिता। सो दिस इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ई, ऑफ फील्ड ई, ये भी दिता है। जे नॉर्मल एक्सटेंशन है ता इदा मतलब ई साडे कोल की होएगा, फिक्स्ड फील्ड होएगा। सो दिस इज ए फिक्स्ड फील्ड अंडर जी के ई, जी के ई अंडर दिस गैलस ग्रुप साडे कोल फिक्स्ड फील्ड होएगा। ठीक है जी, जे अंदर अंडर दिस गैलस ग्रुप साढ़े कोल फिक्स्ड फील्ड आ गया दैन इट इम्प्लाइज दिस बी जड़ा है ये किदे बराबर आ गया, सिग्मा ए दे बराबर आ गया, क्योंकि वह एनदर रूट आ। तो बी साढ़े कोल सिग्मा ए दे बराबर आ गया। अगर बी सिग्मा ए दे बराबर आ गया
तो इट मीनस सिगमा ए किनू बिलोंग करता, ई नू बिलोंग करता, क्योंकि फिक्सड फील्ड ई का हिस्सा आ। जे ई नू बिलोंग करता तो बी भी ई नू बिलोंग कर गया। इहदा मतलब अगर साडे कोल ए रूट इन बिलोंग करता, बी भी इन बिलोंग कर गया, तो पी एक्स दे सारे रूट ई नू बिलोंग कर गए। जे सारे रूट ई नू बिलोंग कर गए तो साडे कोल की आ गया, दिस ई विच इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ आ गया। नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ। सो विच प्रूव द सेकंड पार्ट ऑफ ए डी पार्ट। हुण आपां इस तो अगे चल पीए, जिहड़ा साडे कोल है ई पार्ट। अगर ई पार्ट आ गया तो पहला तो यदि स्टेटमेंट देखिए, सो ई पार्ट की स्टेटमेंट की है, ई साढ़े को नॉर्मल एक्सटेंशन दिता एफ का, तो जी ई एफ इज आइसोमॉर्फिक टू जी के एफ ओवर जी के ई। ठीक है जी, ये सानू दिता है। और सब तो पहला सानू ई दिता है नॉर्मल एक्सटेंशन। सो स्टार्ट करिए, मान लो ई साडे कोल आ गया नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, ये सानू दिता। ठीक है, असी प्रूव की करना अवर क्लेम, वो भी लिख देना अवर क्लेम। सो असी प्रूव करना जी ई एफ विच इज आइसोमॉर्फिक टू जी के एफ ओवर जी के ई। ठीक है जी, सो सब तो फील्ड छोटी एफ है, फिर आ गई ई, फिर आ गई के। सो याद रखने का तरीका की है, जी ई एफ अगर लभना हो आइसोमॉर्फिक टू जी के एफ बटा जी के ई, जी के ई। सो दिस वैल्यूज आ जाए। हुण आपां नूं ई नॉर्मल एक्सटेंशन दिती है, जे नॉर्मल एक्सटेंशन दिती है, नाउ आई टेक ई विच इज सिंपल एक्सटेंशन generated by some single element e. So this is for some a belongs to e. So sade kol inu assi is find is form de vich likh liya. Sigma sade kol automorphism hai k de utte, to onu appa restrict karke e te le aanda. Man lo सिगमा ई है तो आटोमॉर्फिजम ही, बट इट इज़ ए रिस्ट्रिक्शन ऑफ सिगमा। ठीक है जी, टू ई दे उत्ते, मतलब सिगमा जी के एफ नू बिलोंग करता और इनू रिस्ट्रिक्ट करता अपना कि दे उत्ते, ई दे उत्ते करता। इहदा मतलब कि इहदी जिहड़ी वैल्यूज़ है वो एक्स दे उत्ते सेम होएगी, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन मैपिंग करती। जे रिस्ट्रिक्शन मैपिंग करती तो साडे कोल इहदी वैल्यूज़ इस ढंग नाल जिहड़ी है वो सैटिस्फाई आ जाएगी। सो आलसो वी नो दैट ए असी कि लिया ई दे विच्चों, और ए अलजबरीका तो सानू पता सिगमा ऑफ ए की हुंदा, कंजुगेट हुंदा, कंजुगेट ऑफ
ए ओवर एफ, ठीक, ये कंजुगेट है ओवर एफ। अगर ये कंजुगेट ए दा है ओवर एफ सिग्मा ए, तो सिग्मा ए जिहड़ा साडे कोल ओ ई नू बिलोंग कर गया। सिग्मा ए जिहड़ा है, क्योंकि नॉर्मल एक्सटेंशन है, स्प्लिटिंग फील्ड इन बिलोंग करेगी। सो सिग्मा ऑफ ए किनू बिलोंग कर गया, ई नू बिलोंग कर गया। क्यों? क्योंकि ये जिन्ने भी रूट्स होंगे ई दे विच चल जाएंगे। इहदा मतलब सिग्मा ऑफ ई विच इज पार्ट ऑफ ई। आ पॉइंट समझ आया? क्योंकि ए आपां किहदे च लिया, ई दे विचों, और सिग्मा ए नूं इहदे विच भेजता, तां सिग्मा ई साडे कोल की आ गया, पार्ट ऑफ ई आ गया। हुण सिग्मा जिहड़ी मैपिंग है, आटोमॉर्फिज़म है, ये हरेक एफ दे एलीमेंट नूं फिक्सड करता, और एफ ई दा एलीमेंट आ, तो नैचुरली सिग्मा ई भी एफ दे एलीमेंट नूं फिक्स करेगा। क्लीयर हो गया? तो इट मीनस सिग्मा ई ऑफ एक्स जड़ा है, ये एक्स दे बराबर आ जाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एफ, क्योंकि सिग्मा फिक्स करता, तो सिग्मा ई भी उन्हों फिक्स्ड करेगा। तो असी इस रिजल्ट नू प्रूव करना चाहते हैं। बेसिकली इस रिजल्ट नू प्रूव करने लई मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज़म यूज़ करांगा, यानी एक मैपिंग लवां, इहदे तो स्टार्ट होवे और कित्ते जावे, इहदे ते जावे, जी के एफ तो स्टार्ट होवे, जी ई एफ ते जावे, फिर असीं इहनूं प्रूव करिए होमोमॉर्फिज़म एंड ऑन टू, तो राइट हैंड साइड यानी आहा इहदे आइसोमॉर्फिक ओवर कर्नल ऑफ हो जाएगी, कर्नल नूं असीं इहदे बराबर प्रूव कर लांगे। क्लियर? सो इनू प्रूव करन लई मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज़म अप्लाई करूँगा। उदे लई आई डिफाइन ए मैप फाई विच इज़ फ्रॉम जी के एफ टू जी के ई, ठीक है जी। यानी एक तो सिग्मा हो गई एफ आटोमॉर्फिज़म, और दूजी की आ गई सिग्मा ई। सो दिस इज डिफाइन बाय फाई ऑफ सिग्मा विच इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ई फॉर एवरी सिग्मा बिलोंग्स टू जी के एफ। मैं डिफाइन करता, प्रूव की करना, इट इज़ ए होमोमॉर्फिज़म। उदे लई मैं दो मैपिंग्स ला लिया, एक लिया सिग्मा वन, एक लिया सिग्मा टू, जाए ला लिए, क्योंकि ई नाल अटैच करना तो सिग्मा रहन दईए। सो एक लै लिया असी सिग्मा, दूजा लै लिए नीटा, तां कि इहदे नाल जदों अटैच करांगे वो ई नाल लग जाएगा। सो दिस इज़ ए जी के एफ। और ग्रुप होमोमॉर्फिज़म, ग्रुप होमोमॉर्फिज़म फाई सिग्मा नीटा, ठीक है जी। सो दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा नीटा, एक कंपोजिट मैप नाल ई ते कप्पा लै आए, इट इज़ ए कंपोजिट मैप, और ई ते अपा लै गए, और इनू अपा अलग अलग भी कर सकते हैं, सिग्मा ई एंड नीटा ई, और इहदी वैल्यू भी पुट हो गई फाई ऑफ सिग्मा फाई ऑफ नीटा। अगर हो गई तो ये साडे कोल की बन गया, ये बन गया रिंग होमो सॉरी ग्रुप होमोमॉर्फिज़म। सो दिस मैप विच इज़ अंडर मल्टीप्लीकेशन फाई साडे कोल होमोमॉर्फिज़म बन गया, होमोमॉर्फिज़म। हुण असी ऑन टू प्रूव कर, ऑन टू मीनस इधरों एक एलीमेंट लईए, उहदा पिछले बन्ने प्री इमेज हो गए। सो आई टेक
some T element belongs to G K E. ये दे विच्चो ले लिया साथ को सम एलिमेंट जेड़ा है वो इस फॉर्म च लईए और उदा पिछले बन्ने प्री इमेज बांचे ठीक है जी उन्नु प्रूव करन तो पहला असी आ चीज प्रूव कर दईए कि क्या ये दोनों सेम हुंदे यानी कि सिग्मा नीटा ई और सिग्मा ई नीटा ई क्या असी सेम इन्हां नूं प्रूव कर सकते हैं सो पहला इन्हूं प्रूव करिए नाउ सिंस आई टेक सम एलिमेंट बिलोंग्स टू ई तो टी ले लिया ई दे विच्चों और पहला मैं सिग्मा नीटा ई नूं टी ते ऑपरेट कीता सिग्मा नीटा ई सो व्हाट इज दिस वैल्यूज ए वैल्यूज हो गई सानू पता बाय डेफिनेशन ए ई दे पॉइंटा दे उत्ते सेम हो जाती है सो दिस वैल्यूज सो व्हाट इज दिस सिग्मा ब्रैकेट नीटा ऑफ टी दिस वैल्यूज आ गई और इन्नू मैं लिख सकदा सिग्मा नीटा ई ऑफ टी सो ए भी ई दा एलिमेंट आ अगर ई दा एलिमेंट आ इन्नू मैं लिख सकदा सिग्मा ई नीटा ई ऑफ टी तो क्लीयरली तुहाडे कोल दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू जो आपा यूज कीता सीगा उन्हों आपा प्रूफ भी करता तो अगर एदा जड़ा प्रूफ भी आपा साइड ते दे दवांगे तो वो चंगी गल ही है हुण आपा आ जाइए ऑन टू मीनस राइट हैंड साइड तो असी कोई एलीमेंट लईए होमोमोरफिजम हो गए और असी प्रूव करना कि उहदा पिछले बन्ने प्री इमेज है ठीक है जी राइट हैंड साइड मीन जी के ई दे विच्चों असी कोई एलीमेंट लईए उहदा पिछले बन्ने प्री इमेज जिहड़ा जी के एफ दे विच फाइंड आउट करिए सो उहदे लई आई टेक लेट गामा इज सम ऑटोमॉर्फिज्म जी के ई ये आ गया जी के ई दे विच यानी ई दे उत्ते फिक्स्ड है जे साडे कोल दिस वैल्यूज आ गई फिक्स्ड है इहदा मतलब अगर मैं कोई ए एलीमेंट असी लैने आ तो सानू पता दिस गामा ऑफ ए विच इज कंजुगेट टू ए ओवर एफ ए कोई भी एलीमेंट लिया तो अगर कोई भी एलीमेंट है तो उहदे मुताबक ए साडे कोल उहदे ते फिक्स्ड आ जाएगा कंजुगेट आ जाएगा इहदा मतलब देयर एग्जिस्ट ए सिग्मा विच बिलोंग्स टू जी के एफ मतलब एफ दे उत्ते फिक्स्ड आ पर ऑटोमॉर्फिज्म आ सच दैट सिग्मा ऑफ ए विच इज इक्वल टू गामा ऑफ ए दे बराबर क्योंकि ये भी उहदा रूट आ जे रूट आ तो दोनों रूट आपस दे विच कितें ना कितें बराबर हो जाएंगे जे बराबर हो गए तो सिग्मा ए इज इक्वल टू गामा ए दे बराबर आ गया ठीक है जी और फिक्स्ड दी गल कर लीए तो सानू पता सिंस वी नो दैट सिग्मा ऑफ एक्स ते गामा ऑफ एक्स दीज आर इक्वल फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एफ क्योंकि ए ई दे उत्ते फिक्स्ड आ गामा ए एफ दे उत्ते फिक्स्ड आ और कॉमन पार्ट यानी एफ दे उत्ते फिक्स्ड हो जाएगा सब तो छोटी मैपिंग अगर साडे कोल एक्स दे उत्ते हो गया ठीक है जी और एक्स जेड़ा है ए
सानू सॉरी ई दे उत्ते हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ई और ई नू अपना एफ ऑफ ए दे बराबर लिया। देखो क्यों एफ दे उत्ते फिक्स्ड ए है ए ते उत्ते इनू मैं रिपीट करता कन्फ्यूज नहीं होना इनू मैं रिपीट करता सिग्मा ऑफ ए द गामा ऑफ सॉरी एक्स गामा ऑफ एक्स ए फिक्स्ड है एक्स बिलोंग्स टू एफ दे उत्ते क्योंकि सब तो छोटी फील्ड साढ़े को एफ ही है। के दे उत्ते फिक्स्ड आप प्रूव कर चुके हैं आप या ए दे उत्ते तो एफ ते भी हो गया ए ते भी हो गया इहदा मतलब सिग्मा ऑफ एक्स गामा ऑफ एक्स ए इक्वल हो गए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एफ ए और एफ ए तुहाडे कोल किहदे बराबर आ ई दे बराबर आ सो दिस इज इक्वल टू ई। अगर ई दे बराबर है तो तुसी आ मैपिंग इहदे फिक्स्ड हो गई किहदे उत्ते ई दे उत्ते ऑटोमॉर्फिज्म भी है इहदा मतलब तुहाडे कोल जिहड़ी गामा मैपिंग है ए सिग्मा ई दे बराबर आ गई यानी इधरों तुसी एलीमेंट लिया उहदा पिछले बन्ने प्री इमेज लभ लिया जे प्री इमेज लभ लिया तो साढ़े कोल की आ गया यानी उहदा प्री इमेज लभ लिया दैन इट इज़ इक्वल टू फाई ऑफ सिग्मा इफ इट इज़ इक्वल टू फाई ऑफ सिग्मा दैन दिस मैपिंग फाई इज ऑन इट मीन्स दिस मैप फाई इज ऑन तो ये साढ़े को रिजल्ट आ गया। हुण आपां फंडामेंटल ऑफ थ्योरम अप्लाई कर दिए सो दोनों थ्योरमा दोनों रिजल्ट हो गए बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ठीक है जी तो तुहाडे कोल की आ गया जी जनरेटेड ई कॉमा एफ आइसोमॉर्फिक टू जी के एफ बटा कर्नल ऑफ फाई दिस वैल्यूज आर और कर्नल ऑफ फाई नू आपां की प्रूव करना असी जी के ई दे बराबर प्रूव करना तो कर्नल फाई नू जी के ई दे बराबर प्रूव करना आई टी सम सिग्मा बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई दिस वैल्यू बाय डेफिनेशन इट्स इमेज इज इक्वल टू आइडेंटिटी बाय डेफिनेशन This is sigma E is equal to identity. ठीक है जी तो by definition असी sigma E equal to identity आ गया So what it means this values which is equal to identity X for every X belongs to E. है ना क्योंकि यदि values भी इटसेल्फ हो जाती है एक्स दे बराबर हो जाती है और आइडेंटिटी भी एक्स दे बराबर हो जाती है तो ये साढ़े को सिग्मा ई साढ़े को आई एक्स दे बराबर इफ एंड ओनली फॉर पार्ट का हो गया दैन इट मीन्स वी नो दैट सिग्मा ऑफ एक्स द सिग्मा ई एक्स ये दोनों सेम है x बिलोंग्स टू e इन दोनों पॉइंटा दे उत्ते फिक्स्ड है जे फिक्स्ड है इहदी वैल्यूज किन्नी आ गई आइडेंटिटी इट इंप्लाइज सिग्मा ऑफ x विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी दे बराबर जे आइडेंटिटी दे बराबर जा इनू कह सकते हैं आइडेंटिटी ऑफ x सो दिस इज़ इक्वल टू x फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई ठीक है जी
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਗਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੀ ਕੇ ਈ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਿਗਮਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਜੀ ਕੇ ਈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਕਰਨਲ ਆਫ ਫਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਜੀ ਕੇ ਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਵੈਲਿਊਸ। ਦੈਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੂਵ ਅਵਰ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਤੋ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੀ ਈ ਐਫ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਟੂ ਜੀ ਕੇ ਐਫ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਜੀ ਕੇ ਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਵਿਚ ਪ੍ਰੂਵ ਅਵਰ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਏ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰੂਫ, ਤਾਂ ਪਰੂਫ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਪਰੂਫ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਊਰਮ ਆਫ ਗੈਲਸ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਚ ਫੀਲਡਸ ਹੈ, तो दिस इज सम फील्ड एफ और दिस इज सम फील्ड के और के एफ दे उत्ते नॉर्मल एक्सटेंशन है। सो दिस के ओवर एफ दिस इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन, नॉर्मल एक्सटेंशन है। तो असी एक फैमिली जनरेट कर ली सब फील्ड दी ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਐਫ, ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਤਾ ਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਈ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਈ, ਤੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਏ। ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਫ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਔਰ ਈ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ? ਜੀ ਕੇ ਐਫ। ਆ ਜੀ ਕੇ ਐਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਜੀ ਕੇ ਐਫ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਮੈਂ ਬੀ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਬੀ? ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫ, ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਜੀ ਕੇ ਐਫ। ਉਹ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਕੇ ਈ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਈ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਕੇ ਈ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਵਨ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੇ ਅਤੇ ਈ। ਸੋ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਵਨ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਬ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਹੈ ਉਨੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਸੋ ਵਟ ਵੀ ਗੈਟ? ਵੀ ਗੈਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬ ਫੀਲਡ ਆਫ ਕੇ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਈ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆਫ ਏ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬ ਫੀਲਡ ਆਫ ਕੇ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਐਫ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬ ਗਰੁੱਪ, ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਕੇ ਐਫ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੇ ਐਫ ਦੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਲੱਭ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਐਫ, ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਕੇ ਦੀਆਂ ਸਬ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ?
number of subgroup of a Galois group GKF. So that is the importance of this theorem. जिदे नाल अपा Galois group दी मदद दे नाल असी field theory नू जेड़ा group दे विच involve कर देने, फिर group theory नू इदे ते apply करके अपना जेड़ा result आ वो find out कर लेगा. सो इस लेक्चर च असी सिर्फ discuss